अलीगढ़ में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेला का आयोजन गंगेरी में हुआ। इस प्रकार का स्वास्थ्य मेला प्रत्येक ब्लॉक में हुआ। सोमवार को गंगेरी याकराबाद से इसकी शुरुआत हुई। इसमें स्वास्थ्य के अलावा अन्य विभागों को शामिल किया गया। गोद भराई योजना विधायक एवं MLC द्वारा किया गया। एडी हेल्थ स्वयं सिंह उपाध्याय, CSC प्रभारी डॉक्टर पंकज मिश्रा, विधायक पूर्व ठाकुर विकास सिंह, पूर्व चेयरमैन हरिश्चंद्र गुप्ता, लालू महाजन, राजेश बाबा, विजय सिंह, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, जिला उपाध्यक्ष पुष्पांजलि राजपूत मौजूद। पूरी जानकारी आपको भी होनी चाहिए और जानकारी के नाम से ही अपने कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। स्वास्थ्य पूरा लगा हुआ है, धातों का अलग से हम देख रहे हैं, यहाँ पर टीवी को अलग देख रहे हैं और जो भी कैसे भी कोई परेशानी। बहुत बहुत धन्यवाद मंच पर उपस्थित यहाँ के बहुत लोकप्रिय विधायक। हमारे संवाददाता राजपाल सिंह यादव ने विधायक, MLC एवं मंडल विकास अधिकारी स्मृति अवस्थी से बातचीत की। अब आप देख रहे हैं पूरे जिले में हर मंडल पर मेले लगाए जा रहे हैं जिसमें स्वास्थ्य का परीक्षण किया जा रहा है। मुताबिक तरह से मनाया जा रहा है। ये यहाँ पर ब्लड की जांच भी हो रही है, टीवी की जांच भी हो रही है, दांतों के भी इलाज हो रहा है। कोई ऐसा नहीं है स्वास्थ्य के हिसाब से मतलब यहाँ पर कोई उसकी देखरेख न हो या परीक्षण न हो रहा हो और वह ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है। गोद भराई में आप देख रहे हैं 30 बहनों के लिए यहाँ पर गोद भराई की गई है। जो गर्भवती महिला है गोद भराई तो गर्भवतियों की ही होगी। और जनता के लिए युवा मामले की तरफ से किट दी गई है। जो गाँव में बच्चे खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलेंगे या मतलब फुटबॉल खेलेंगे, उनके लिए जो नेट भी दिया गया है, बॉल दी गई है, सभी सामान वहाँ पर दिया जा रहा है। जितने भी युवा मंडल हमारे रजिस्टर्ड है हर गांव में ये पहुँचाए जाएंगे और बच्चे के लिए खेलने के लिए जो बच्चे मोबाइल पर लगे रहते हैं मोबाइल पर न लगे और वो फील्ड में जाकर के खेले ये व्यवस्था की जा रही है। चलिए मेरे हाँ ML साहब हाँ थोड़ा इस संदर्भ में बताएं थोड़े आज के मेला के बारे में। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव संपूर्ण भारतवर्ष में पिछले एक वर्ष से मनाया जा रहा है। इस समय भारतीय जनता पार्टी ने भी एक सेवा पखवाड़े के रूप में कार्यक्रम को लिया है। आज यहाँ पर छर्रा विधानसभा में छर्रा के अंदर इस ब्लॉक का कार्यक्रम था, CSC का मिलाकर के स्वास्थ्य मेले का मिलाकर के कार्यक्रम था। यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से गोद भराई का कार्यक्रम भी था। यहाँ विभिन्न प्रकार के इस मेले के माध्यम से ये सारी जानकारियाँ दी जा रही हैं। साथ ही खेलो इंडिया इसके तहत आज हर ग्राम सभा के लिए जहाँ पर भी युवक मंडल का गठन हो गया है या रजिस्ट्रेशन हो गया है उन सबको खेलो इंडिया के तहत किट दी जा रही हैं और उसमें वॉलीबॉल है, फुटबॉल है और भी कई प्रकार के कार्यक्रम हैं। उनको आगे चल करके क्रिकेट की किटें भी दी जाएंगी। इस तरह के कार्यक्रम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से निरंतर चलते रहेंगे। मैं आए हुए अतिथियों का माननीय विधायक जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर ये आज जो कार्यक्रम आपके यहाँ जो CSC पर किया गया सर उस कार्यक्रम के बारे में बताएं आप थोड़ा अपना परिचय। मैं स्मृति अवस्थी खंड विकास अधिकारी गंगेरी। आज ब्लॉक स्तरीय आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वास्थ्य मेले का आयोजन कराया गया था। ये मेला हर ब्लॉक में आयोजित होना है लेकिन इसका शुरुआत आज गंगेरी अकराबाद दो ब्लॉक से किया गया है। इसमें स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ अन्य विभागों को भी शामिल किया गया जैसे गोद भराई की योजना का माननीय विधायक जी के हाथ से कराया गया और जिसमें हमारे MLC श्री सिपाल सिंह जी भी उपस्थित थे और इसके अलावा कुछ खेल विभाग की तरफ से खेल की जो किट थी युवा मंगल दल को वितरित की गई। और इसके अलावा मेन जो उद्देश्य इसका था कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको अलग अलग अनुग्रह करके आपको एक जगह एक स्थान पर उपलब्ध हो। वहाँ स्वास्थ्य शिविर भी था, स्वास्थ्य परीक्षण भी था, आयुष विभाग भी था, आयुष किट भी वितरित की जा रही थी, लोगों के बेसिक चेकअप भी किए जा रहे थे, साथ के साथ उनको दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई जा रही थी। तो लोगों को स्वस्थ रखने के लिए ये एक स्वास्थ्य मेला आयोजित था।
CDPO के द्वारा जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो किशोरियां हैं उनको जानकारी दी जा रही थी कि वो किस तरह स्वस्थ रहें। हमारे विभाग के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्टॉल लगाई गई थी ग्राम विकास विभाग के द्वारा, जिसमें लोग कैसे साफ सफाई से रहें, शौचालय का किस प्रकार प्रयोग करें या जिस तरह की योजनाएं उनकी जानकारी दी गई। खेल विभाग द्वारा अपना स्टॉल लगाया गया, CDPO द्वारा अपना स्टॉल लगाया गया। इस तरह सभी विभागों को एक जगह मर्ज करके, सभी योजनाओं को एक जगह केंद्रित करके, जिससे हर व्यक्ति को हर योजना की जानकारी मिले और साथ ही वह अपने स्वास्थ्य शिविर में अपने स्वास्थ्य का जांच करा के स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त कर सके, यही इसका उद्देश्य था, जिसमें हमारे माननीय विधायक और MLC के द्वारा प्रतिभाग किया गया और हम सबको अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्रदान किया गया। आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर अलीगढ़ के द्वारा योग का कैंप लगाया गया छर्रा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, और उसमें बताया गया है कि योग के द्वारा विभिन्न हम बीमारियों को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। हम आज जो चल रहा है कि योग के द्वारा किस प्रकार से हम बीमारियां बिना दवाओं के, बिना किसी अन्य चिकित्सा के, अल्टरनेटिव थेरेपी के माध्यम से हम योग को अपना कर विभिन्न बीमारियों को दूर कर सकते हैं। और मेरा नाम प्रशांत माहेश्वरी, योग प्रशिक्षक आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर नगर अलीगढ़ से हूँ, और आप हमारे सेंटर पे आइए और योग चिकित्सा से जुड़े हुए जो भी स्वास्थ्य लाभ हैं वो ले सकते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, मैं आपका पर्चा जानना चाहूँगा और ये आपकी जो होम्योपैथिक दवाई ये किस किस रोगों में काम आती है और आज आपके यहाँ कितने मरीजों का निरीक्षण होता है? मेरा नाम डॉक्टर गौरव कुमार है, मैं मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज, हमारा हेड ऑफिस मलकान सिंह हॉस्पिटल है। होम्योपैथिक दवाई हर विधा में काम आती है, हर प्रॉब्लम में इसका निदान है। कोई भी समस्या हो किसी भी तरह से, जड़ से इसका पूरी तरह से रोग को नष्ट करती है, जिसमें अब कोविड के लिए हमारे आयुष मंत्रालय ने, होम्योपैथिक विभाग ने ये कोविड किट दिए, जिनका पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर में भी कोविड को एक प्रिकॉशनली डोज में हम देते हैं, बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स मिला है इसका। और आगे आने वाले समय में होम्योपैथिक विद्या सही तरह से, अच्छी तरह से यूज करें तो बहुत जनहित में बहुत ज़्यादा लाभकारी हो सकती है। धन्यवाद।